अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं फ्रूट क्रीम। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होती है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता और ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती। इसके लिए हमने सिर्फ 3 चीज़ें ली हैं। ये देखिए, हमने लिया है कंडेंस मिल्क, आधा कप कंडेंस मिल्क। ये सर्टेन कंडेंस मिल्क है, मीठा है। और साथ में हमने ली है फ्रेश क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। 250 ml हमने ली है अमूल फ्रेश क्रीम। और इसके साथ हमने लिए हैं फ्रेश फ्रूट्स, इसमें चेरीज, मैंगो, बनाना और चीकू हमने कट कर लिए हैं। सर्विंग बाउल में हम पूरी क्रीम निकाल लेंगे। ये फ्रेश क्रीम है, पूरी क्रीम हम इस बाउल में निकाल ली हमने। अब इसे एक बार हल्के से हम मिक्स कर लेंगे। क्रीम को हमने हल्के से मिक्स कर लिया, ज़्यादा व्हिप नहीं करना है, बस हल्के से हमने इसे मिक्स कर लिया। ये देखिए बहुत ही गाढ़ी हो गई है, क्योंकि क्रीम के बॉक्स के अंदर पानी अलग और क्रीम अलग कभी कभी हो जाता है, इसलिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें मिलाया कंडेंस मिल्क। ये कंडेंस मिल्क मीठा है, इसीलिए हम फ्रूट क्रीम में चीनी यानी शुगर नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें मिला दिया कंडेंस मिल्क, हाफ कप मिला दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे। कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो गया फ्रेश क्रीम में। अब हम इसमें मिला देंगे फ्रेश फ्रूट्स। हमने बहुत सारे फ्रूट्स काटे हैं, चेरी, मैंगो, बनाना, चीकू। आप कोई भी फ्रूट काट सकते हैं, लेकिन थोड़े सॉफ्ट और नर्म वाले फ्रूट आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसे हम ठंडा करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है। खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं, साथ में हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक